बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ में साबूदाना पापड़ की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बनाना है सबसे आसान और खाना है उतना ही टेस्टी और मज़ेदार। बारिश में, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे फ्राई करके खाने में एक अपना अलग ही मज़ा होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। तो उससे पहले चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हम 1 किलो के पापड़ बनाएंगे, 1 किलो साबूदाना के। तो यहाँ पर देखिए, 1 किलो साबूदाना हमने ले लिया है। इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से धोकर पानी डालकर इसे ऑल नाइट सोख होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने धो दिए साबूदाने, साबूदाने के ऊपर तक हमें पानी रखना है। तो यहाँ पर देखिए, साबूदाना ऑल नाइट सोख हो चुके हैं। अब इसमें पानी डालेंगे हम। और 2 ग्लास इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। इसे हिलाते रहेंगे, ये जैसे जैसे पकते जाएंगे ये पानी छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, क्योंकि ये पिघलते हैं ना, तो इसका पानी छूटते जाता है। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया और इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन और 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्ची। ये लहसुन और हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए वरना मत डालिए। ये 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्ची भी हमने इसमें डाल दी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इन्हें हिलाते रहना है, अगर हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाते। ये देखिए, माशाल्लाह साबूदाने पक चुके हैं, ये इनके पापड़ बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पापड़ बनाने के लिए एक कपड़ा या प्लास्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम अब। तो यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक को हमने बिछा लिया है। अब हम इसमें एक एक करके पापड़ डालते जाएंगे इस तरह से। ये बहुत इजीली बन जाते हैं पापड़, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, मगर खाने में ये उतने ही टेस्टी होते हैं। ऐसे ही एक एक करके सारे पापड़ को हम डालते जाएंगे। देखिए, इसी तरह से डालते जाना है हमें, झटपट भी बन जाते हैं। यहाँ पर सारे पापड़ों को हमने डाल लिया है। अब हम इसे एक तरफ से अच्छे से सूखने देंगे। तो यहाँ पर ये एक तरफ से अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम इन्हें पलटा कर दूसरे साइड से भी सेका लेंगे। ये देखिए, अंदर कच्चे रहते हैं, इन्हें पलटाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी इसे सेक लेंगे। ऐसे ही करके सारे पापड़ों को हम पलटा देंगे और दूसरी साइड अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर सारे पापड़ों को पलटा दिया है। अब हम इन्हें सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर सारे पापड़ों को पलटा दिया है और अभी इसे सुखा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पापड़ बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्ट भी है, खाने में इतने ही टेस्टी भी लग रहे थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर कुछ परेशानी है तो वो भी बताइए। अल्लाह हाफिज़।